नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने हैं HTML के बारे में। आपने काफ़ी नाम सुना होगा, अगर नाम नहीं सुना है तो आप जाके एक बार यूट्यूब या फिर गूगल पे जाके सर्च करिएगा कि HTML होता क्या है। तो आज मैं आपको बता दूँ HTML क्या होता है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और HTML किस काम आता है, यानी कि पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो HTML होता क्या है सबसे पहले समझिए, और कैसे प्रोग्राम होता है, क्या होता है। तो HTML एक नोट पैड पर वर्क करने वाली चीज़ है, आपने समझ ली। नोट पैड पर ही आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। नोट पैड पर होता क्या है, सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज सिखाई जाती है, HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पर, ठीक है। आपको बता दूँ ये ऐसी लैंग्वेज है, आपको शायद थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक आपको एक बार आ गई ये चीज़ तो कभी भूलोगे नहीं इस चीज़ को। तो HTML कैसे वर्क करता है, सबसे पहले देखिए, उसमें कुछ टैग, फॉन्ट और ब्रैकेट, कॉमा, इस चीज़ का काफ़ी महत्व है उस चीज़ में। आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप YouTube पे जाके सर्च करिए काफ़ी, लेकिन इस वीडियो को देख के जाइएगा। अब HTML कैसे वर्क करता है, HTML एक वेबसाइट बनाने के लिए वर्क होता है। जी हाँ, मान लीजिए जिस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है, लेकिन ये एक एडवांस लेवल पर वेबसाइट बनाई जाती है, ये एक लो लेवल पर होता है HTML, कि HTML सिर्फ एक कॉपी की तरह दिखाने के लिए, यानी कि ये मान लीजिए पुतले की तरह वो दिखाने के लिए चीज़ है कि वो इस तरीके से वर्क करती है। और वहीं एडवांस लेवल में देखा जाए तो इस यही सेम कंडीशन लगा के आपको एडवांस लेवल में काम करना होता है। लेकिन अगर आप लोग सोचते हो कि आप नोटपैड पे ही सीख के एडवांस लेवल पे काम करें, तो ऐसा नहीं है। तो आपका एडवांस लेवल पर काम करने के लिए वो नोटपैड का लो लेवल ज़रूर अपनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैसे वेबसाइट वर्क करती है। तो वेबसाइट में क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन होती है, ओपन हुई, उसमें एक नाम का फोल्डर होता है, आपके इधर लिखा होता है नेम, और यहाँ पर हमें फिलअप करना होता है नेम। वही सेम कंडीशन आपको किस तरीके से ऐड करनी है कि हमारा इस तरफ नाम आए और इस तरफ एक बॉक्स आए जिसके अंदर हम नाम सबमिट करें। तो ये हो गया, एक इस तरीके की वेबसाइट बनाई जाती है जिसके अंदर आपको इस तरीके से खाने बनाने हैं, डब्बे बनाने हैं, और यहाँ पर कैप्चा आएगा या फिर यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लाइन लिख के आएगी कि आप पहले एक राइट क्लिक करिए तब जाके आप आगे जाएंगे। तो यही होती है आपकी HTML लैंग्वेज। यहाँ अगर आप लोग यहाँ से ये चीज़ सीख जाते हैं तो ये मान लीजिए वेबसाइट या फिर वगैरह वगैरह में काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। और अगर आप लोग फ्यूचर देख रहे हैं इस चीज़ों में तो काफ़ी अच्छा स्कोप मिल जाता है आपको। अगर आपको नहीं पता स्कोप क्या होता है और स्कोप कहाँ कहाँ मिलता है आपको, तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करिएगा आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि HTML एक ऐसी चीज़ है मैं आपको पूरा डिटेल से भी नहीं समझा पाऊंगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।